हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, राजस्थान का RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर में है और यह एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसमें 100 सीट्स हैं, जिसमें 15 सीट ऑल इंडिया कोटा, 35 सीट गवर्नमेंट फ्री सीट और 35 सीट पेमेंट सीट, 15 सीट NRI की हैं। इसके अब तक की जो फीस थी वो ऑल इंडिया कोटा की 15 सीट और स्टेट कोटा की 35 सीट फ्री सीट के लिए 23,000 रुपये थी। इसके बाद पेमेंट सीट के लिए 7,20,000 रुपये और NRI सीट के लिए $80,000 सालाना थी। अभी इस कॉलेज की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इस साल यानी 2020 से 32 गुना फीस इंक्रीज करने का प्रस्ताव सरकार के पास रखने जा रही है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों शामिल हैं। यानी ऑल इंडिया कोटा की 15 सीट व स्टेट की 35 सीट जो फ्री सीट हैं उन पर व पेमेंट की जो 35 सीट हैं स्टेट की, सभी सीटों पर 7,50,000 रुपये फीस अभी करने जा रही है। ये अभी तक की जो ऑल इंडिया कोटा की सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थी वो तमिलनाडु के राजा मुतैया मेडिकल कॉलेज की 5,00,000 रुपये फीस थी। तो दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट और स्टेट दोनों प्रकार के स्टूडेंट के साथ में अनजस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट इस फीस पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, ये कॉलेज पिंक सिटी जयपुर में सिचुएटेड होने के कारण इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। SMS जयपुर के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट और स्टेट स्टूडेंट इसी कॉलेज को चूज करते हैं और अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, मगर अभी इतनी ज़्यादा फीस होने के कारण टॉप स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे और ये उनके साथ में अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजस्थान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट के साथ में अनजस्ट हो रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सरकार के कानून तक ये आवाज़ पहुँच सके और कॉलेज उस प्रस्ताव को अनुमति न दे सके। सरकार को स्टूडेंट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रस्ताव से जो स्टूडेंट जिस सीट के लिए डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिलेगी। तो राजस्थान सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को पास न करें। आइए देखते हैं 14 फरवरी 2020 के दैनिक भास्कर के इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सत्र 2020-21 में MBBS में प्रवेश पर 32 गुना अधिक फीस देनी होगी। एक तरफ सरकार डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हरेक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ RUHS अपने वित्तीय स्थिति खराब के चलते विद्यार्थियों से भरपाई करेगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े मेडिकल कॉलेज में हर साल MBBS की ली जाने वाली फीस को सत्र 2020-21 से 23,000 से बढ़ाकर 7,50,000 रुपये करने की तैयारी कर ली है, यानी 32 गुना अधिक फीस वसूली जाएगी। इसके अलावा पेमेंट कोटा की फीस में 30,000 रुपये सालाना बढ़ोतरी होगी। इसी तरह NRI कोटा की सीट पर आने वाले छात्र की फीस $80,000 से बढ़कर $110,250 होगी। वह फीस में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। इसमें आगे लिखा है, राजमहल के मेडिकल कॉलेजों की फीस पैटर्न के अनुसार शिक्षण अन्य शुल्क वसूलने की सदस्यों को अनुमति मिली। इसमें आगे लिखा है, सत्र 2020-21 में MBBS फीस बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा, उसके बाद में अनुमति मिलने पर बड़ी फीस ली जाएगी। तो दोस्तों, ये फीस आप देख रहे हैं, अभी तक जो फीस है 15 सीटों ऑल इंडिया कोटा के लिए 23,000 है, 35 सीट स्टेट कोटा के लिए भी 23,000 है, 35 सीट पेमेंट कोटा के लिए 7,20,000 है अभी तक फीस, और 15 सीट जो NRI की है उसमें $80,000 फीस है अभी तक। अभी जो फीस इसका प्रस्ताव रखा गया है, ये फीस 15 सीटों के लिए जो ऑल इंडिया कोटा है, हर एक स्टूडेंट वहां एडमिशन ले सकते हैं, वहां की फीस भी 7,50,000 प्रस्ताव में है। 35 स्टेट कोटा की भी 7,50,000 है और जो पेमेंट कोटा सीट है वो 7,50,000, यानी कि सभी प्रकार की 7,50,000 करने का प्रस्ताव है। NRI के लिए $110,250 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज को पढ़ने के बाद स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स मेरे पास काफी कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या ये फीस 32 गुना बढ़ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अभी प्रस्ताव ही है जो RUHS मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार किया गया है। सरकार को इस प्रकार के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट के हित में नहीं है। तो दोस्तों, 2017 तक
ये 100 सीटों में कोई एनआरआई सीट नहीं हुआ करती थी, मगर सरकार ने कुछ एक अपनों को फायदा दिलाने के लिए राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई सीट इंक्लूड कर दी और पेमेंट सीट की संख्या बढ़ा दी, फ्री सीट की संख्या कम कर दी, ताकि कम मेरिट पर सरकार के उच्च पदों पर आसीन लोगों के बच्चों का एडमिशन इन इतने अच्छी कॉलेजों में हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को YouTube, Facebook, Instagram और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना शेयर करो कि सरकार तक इसकी आवाज़ उठ सके। 2019 में भी सरकार ने स्टूडेंट के साथ काउंसलिंग के टाइम पर अनअसिस्ट किया था, हमने हमारे चैनल के द्वारा ये आवाज़ उठाई थी और उसका समाधान भी हुआ था। दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी भी 15 सीट्स के लिए 32 गुना सीट इंक्रीज होने जा रही है फीस, तो वो भी एक अच्छे कॉलेज में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।